हर साथ मिलने से पहले छूट ही जाता है, सपना नींद में देखूं या जाग के टूट ही जाता है। कितना आलसी है ये लड़का, बिस्तर से उठा और सोफे पे आके बैठ गया। केशव हाँ। ले ये पी। थैंक यू मां चाय पिलाने के लिए। ये क्या कड़वा क्या है मां? ये चाय नहीं है बेटा। अरे कलौंजी के तेल में कड़ी पत्ते का रस मिलाया हुआ है, इसे तेल सर में बाल उड़ेंगे। घरेलू नुस्खा है ये, ऋषिकेश की मौसी ने भेजा है। अब ये ऋषिकेश कौन है? ऋषिकेश में रहने वाली तांत्रिक मौसी, पूरे गांव की झाड़फूंक वही तो करती है। जरा टहला कर समुद्र की ताजी ठंडी हवा लगेगी तो चेहरे पे भी चमक आएगी। माँ मैं समुद्र किनारे नहीं जाऊँगा, वहाँ के लोग जो है ना मेरे गंजेपन का बहुत मजाक उड़ाते। हाँ तो गार्डन में ही चला जा। हाँ सुन, जरा जल्दी आना बेटा। हाँ उसके बाद में मैरिज वीडियो भी जाना है, हो सकता है आज की बात हो जाए। हाँ माँ मैं चल दिया। कपड़े चेंज कर ले, तेल की बू आ रही है। ये अच्छा गार्डन है, एकदम सुनसान, यहाँ मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। ये गंजा कौन है? ये भाई साहब मुझसे सीनियर गंजा लगता है, इसी से पूछता हूँ। भाई साहब आप तो बता दो कि सुनसान गार्डन में टकलोर गंजों को चिढ़ाता कौन है? भाई साहब, भाई साहब, मैं आपको भाई साहब दिखाई देती हूँ। मैं भाई साहब नहीं, बहन जी हूँ। बहन जी? बहन जी आप? जी नमस्ते बहन जी। हेलो, आई एम सुतापा ढीगरा।
आई एम थिएटर आर्टिस्ट। अच्छा। मैं गंजों पे 260 फिल्में कर रही हूँ फिल्म फेस्टिवल के लिए। एक ऑटो में टकली, ऑटो में टकली और एक गंजी बनियान, ये उसी का गेटअप है, मैनुअल रोल है। अच्छा, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। वैसे आप क्या करते हैं? आपने रिप का नाम तो सुना होगा। नहीं 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 नहीं, वो रिप नहीं। अच्छा। रियल इंफॉर्मेशनल पोर्टल। फुल टाइम जॉब? नहीं, फुल टाइम तो मैं शायर हूँ। वाओ, शायर? हाँ। मुझे भी शायरी का बहुत शौक है, कुछ सुनाइए ना। अर्ज है, माँ ने बेटे से कहा, क्या खाओगे मेरे लाल? वाह। तो मासूम बच्चे ने चीखते हुए कहा, बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल। वाकई इस बुड्ढी को बाल की जरूरत है, किसी और से पूछता हूँ। ए मेरी टोपी, ए कमीने, एयरपोर्ट। अबे कहाँ है, कहाँ, क्या पूछ रहा है, यहाँ आओ। दिमाग की दही कर दी साले, इंसान का कम थे जो कभी भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। मेरा नाम है रेखा मर्चेंट। रेखा मर्चेंट? रेखा लाल कान्हा प्रसाद मर्चेंट। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम है केशव बाल प्रसाद प्रजापति। अच्छा, आपका शुभ पता? नायगांव में। ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट। अच्छा, आपकी शुभ आयु? 30+। मैं भी 30+। हाउ मच? 38। अरे ये तो 40- हुआ। ये आप हर बात पे शुभ शुभ शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए, ये शुभ कार्यालय है, शादी शुभ, सगाई शुभ, इसलिए हम हर चीज में शुभ 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 बोलते हैं। अच्छा, इतनी लेट शादी क्यों? अब वो कर्ज की वजह से नहीं आ सके, शादी के रिश्ते हर महीने चुकाता रहा मैं, लोन की किस्ते। अच्छा ठीक है, आपके लिए कोई तलाकशुदा लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तलाकशुदा? हाँ, इस एज में तो वही लड़की मिलेगी ना। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, आपके आशीर्वाद से मैं दूल्हा और मेरी माँ दादी हो जाए। अच्छा, अब उसके लिए, शादी के लिए मुझे आपकी फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। हाँ लीजिए ना, तैयार होके आया हूँ। अरे कुमारी मीना। यस सर। बेटा इनका एक फोटो ले लो। रेखा जी ये भी चलेगी? बेटा इनकी एक तस्वीर क्लिक करनी है, आपका क्लियर फेस दिखना चाहिए, दूल्हा जैसा हो वैसा दिखना चाहिए। निकालिए। हाँ निकाल दे बेटा। हाँ। कट कट कट, मिसेस मीना प्लीज प्लीज यू गो प्लीज। ओके सर। क्या है के ये लड़की की कल ही शादी हुई है, मैच मेकर से ज्यादा विग मेकर की ज्यादा जरूरत है। डोंट वरी, मेरे पास सब इलाज है, मेरे पास ऐसे ही केस आते रहते हैं। मैं अभी डॉक्टर शर्मा जो हेयर स्पेशलिस्ट है ना, उनसे बात करवा देता हूँ आपकी। हाँ नहीं नहीं भाई साहब, इसका आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है। जी। अच्छा अच्छा जी। हम जिसकी भी शादी करवाते हैं उसका पूरा फैमिली प्लानिंग भी हम ही करवाते हैं, जैसे कि शादी के मंडप, कैटरिंग, कपड़े लत्ते, यहाँ तक कि हनीमून का भी सब इंतजाम हम ही करते हैं। हेलो कौन? अबे वर्मा बोल रहा हूँ, वर्मा। वर्मा जी, वर्मा जी, इनकी शादी भी मैंने ही करवाई थी। ऐसी जोड़ी राधा कृष्ण की जिंदगी में मेरे अलावा कोई बना ही नहीं सकता, मैंने बनवाई थी। हा? वर्मा जी कैसी चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी? मैं तो तलाक लेने जा रहा हूँ। क्यों? What? वो शर्मा के बाहों में आए तो नई नवेली दुल्हन शर्मा के ही बाहों में आएगी ना? अबे शर्मा के बाहों में नहीं आई, वो मेरा पड़ोसी है शर्मा, उसके बाहों में आ गई। मैं तो वर्मा हूँ। और सुन,
मैं तो वकील के पास आया हूँ, मैं तो तलाक लेने जा रहा हूँ। डाइवोर्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो भी हम ही करवाते हैं। डोंट वरी। और हाँ, डाइवोर्स के बाद रीमैरिज भी हम ही करवाते हैं। अबे सेकंड नहीं होगी, तीसरी शादी होगी। और सुन, तीसरी भी फेल हुई ना तो चौथी शादी फ्री में कराऊंगा, समझा? अबे चल फोन रख। अरे अरे वर्मा जी, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? आफ्टर ऑल आपका सेटिस्फेक्शन हमारा सेटिस्फेक्शन। अच्छा तो भाई साहब, आपका शुभ कार्य क्या है? जी मैं एक रंगकर्मी हूँ। रंगकर्मी? रंगकर्मी पेंटर? नहीं नहीं, पेंटर नहीं, मैं एक पोएट हूँ। जैसे कि शेरो शायरी कविताएं वो सब। भाई शेरो शायरी कविता से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए क्या करते हो? रियल इंफॉर्मेशन पोर्टल। वहाँ आपका शुभ स्थान क्या है? वहाँ पर मैं MD हूँ। MD मतलब मेंटल डोंकी, यू इडियट। मैंने तुझे पप्पू लुखे की फुटेज को शूट करने के लिए भेजा था और तुमने शूट ही नहीं किया। Why? क्यों? हाँ? बॉसी, जैसे ही हम उनसे शूट करने गए थे वो जोर से चिल्लाया, डोंट शूट, डोंट शूट। यू स्टुपिड, उसने बुलेट वालों को बोला था, बुलेटिन वालों को नहीं। अरे बंजर जमीन के मालिक, तू एक ऐसा इंसान है जिसके सर के ऊपर भी कुछ नहीं है और सर के अंदर भी कुछ नहीं है, इसीलिए कुदरत ने जानबूझकर तुझे ये टोपी पहनाई है। डफर कहीं का। Get lost. Get out. दही में प्लास्टिक तो मिलाया है ना, कैमरा में दिखाई देना चाहिए। जी मैडम, मैंने अपने हाथों से मिलाया। ओके मैं ठीक लग रही हूँ ना? हंगामा। सो तो है। ओके रेडी, एक्शन। देखिए 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 इस दही को, ये दही नहीं है सही, ये दही आपके दिमाग का दही कर देगा। हम सोचते हैं हमारे देश से प्लास्टिक गायब हो गई, लेकिन ये प्लास्टिक जाती कहाँ है, आज हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस फ्रेश लगने वाले दही को देखिए, और इसके अंदर है इतनी बड़ी प्लास्टिक। मासूम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़, अरे दही बनाने वालों कुछ तो कर्सी रखो। अरे शैतानों, हैवानों, इन हैवानों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये आप हमें बताएंगे, और बताएंगे हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल का नाम है RIP रियल इंफॉर्मेशन पोर्टल। थैंक यू। कट, अरे कट करना हल, कट। ओके मैडम जी, इससे तो पक्का कंट्रोवर्सी हो जाएगी। सो तो है, आई लव कंट्रोवर्सी। ये केशव कहाँ है पागल? केशव, केशव। जी बॉसी। ठीक से खड़े रहना भी नहीं आता, इसलिए तो बैठा हूँ। 10 डेड सेलिब्रिटीज का वीडियो बनाया? हाँ बना लिया। थैंक गॉड मरने से बच गया तू। सुन, थंबनेल में 4 फोटो डालना, 2 मरे हुओं की और 2 जिंदा की, ताकि लोग कंफ्यूज होके बार बार वो वीडियो देखे। मरे हो के भी इसमें जिंदों की फोटो? ये तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी। Now you got the point. I love controversy. यार एबी, ये मीटू वाली आंटी जो है, मुझे लगता है बॉसी की दूर की मौसी है। मुझे एक प्रोग्राम मिला है। अच्छा, मुझे भी चांस देना तू। हाँ लेकिन उसके लिए चावल लगेंगे। कितना? पूरे 1000 रुपए। 1000 रुपए ज्यादा है, तो कुछ कम करना यार। मैं 500 दिया था, लेकिन उधर जो तूने बोला था ना, तेरी कविताएं और शायरी, वो कौन सा चीफ गेस्ट था, वो क्या नाम था उसका, लतीफ, लेट लतीफ हो गया था उसके बाद, और साला उसके चक्कर में पूरे घर वाले मुझे बददुआएं दे रहे। हाँ लेकिन 1000 रुपए फिर भी ज्यादा है। नहीं नहीं, एक काम कर, 800 रुपए ले। देख तेरा नहीं मेरा नहीं, बेच का रास्ता। 900, अब तू कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप। ओके हाँ बोल। ओके ओके 900 रुपए। हाँ यार इस बात एक शेर याद आ गया। नहीं अब उधर ही डायरेक्ट उधर। नहीं 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 उधर, चलो चलो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शायर केशव प्रजापति, के जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज के इस मौके के लिए बनाया है खास शेर, अर्ज करूं सुना दूं? बेहतरीन शेर सुनाने जा रहा हूं जो आज तक आपने ना सुना होगा ना देखा होगा। अबे पूरे पैसे वसूल करूंगा। अच्छा
गलती खत्म कर। तो अर्ज किया साथियों कि कभी किसी को जहां मुकम्मल नहीं मिलता, जहां ठंड लगी हो वहीं कंबल नहीं मिलता। क्या चार पैक ज्यादा पी लेता हूं तो जमीन चूम लेता हूं, आदमी दुनिया में हम जैसा हम्बल नहीं मिलता। सामने वाली लड़की ने दिया है। थैंक यू। बहुत अच्छा मैसेज मिला है, इसमें लिखा है निकल लो। कहाँ निकल गया केशव? अभी कहाँ है? कहाँ था तू? अबे ये, अरे यार वो लड़की तो कब की चली गई, क्या हुआ? तो ये फिर किसका मतलब क्या है? अबे यार उसका मतलब था कीप इट शॉर्ट स्टूपिड, शॉर्टकट में किस। कीप इट शॉर्ट स्टूपिड। हाँ यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं मिलता। यस, मिल गया नेटवर्क। केशव तेरे शायरी का वीडियो शूट किया और यूट्यूब में डाल दिया। अब देखना सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया में छा जाएगा तू, सबकी जुबान पे होगी तेरी ही शायरी। यस तू तो छा गया, पार्टी दे। हेलो रेखा जी, नमस्कार। सुन 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 केशव, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। केशव जी, उनका नाम है शीला की जवानी। शीला की जवानी? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, शीला की जवानी नहीं, शीला केजवानी। ओ शीला केजवानी, अच्छा। और मैंने उस लड़की को आपके सर जमीने बंजर स्थान के बारे में बता दिया है। तो फिर उन्होंने कहा तुरंत भेज दीजिए मिलने के लिए। लड़की का एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम अभी जाकर उससे मिल लो। वेरी गुड। ये देखो एड्रेस भी आ गया। भाई सच में निकल पड़ी तेरी, बताइयो। अच्छा जरा गंगा जमुना लेना, गंगा जमुना। सी, आई एम अ सोशल वर्कर। हमें समाज के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे नारी मुक्ति, नारी बचाओ। और ऐसे में हमारा घर पर आने जाने का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता, कभी भी आना कभी भी जाना। इस सिचुएशन में मुझे किसी का बंधन नहीं चाहिए, किसी की रोक टोक तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और शायद यही रीज़न है कि ये बात मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई और हमारा तलाक हो गया, यही कुछ 2 महीने पहले। और हाँ, मेरा एक बेटा भी है। अब आपको शादी के बाद इस घर में घर जवाई बनकर रहना पड़ेगा, बच्चे की और घर की देखभाल करनी पड़ेगी, तो बताइए मंजूर है आपको? देखिए केशव, चल बाहर चल के बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, पता नहीं कब सुधरेगा। अरे बाहर कहाँ लेके जा रहा, कोई गलती हुई क्या? तू भी ना यार, हद है, क्या नहीं नहीं लगा रखा है, तू शादी क्यों नहीं कर रहा बे? यार तूने सुना नहीं क्या, वो घर जमाई बनने के लिए कह रही है। अबे घर जमाई की इज्जत कहाँ होती है? अरे भाई तो नॉर्मल जमाई को भी इज्जत कहाँ मिलती है? बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। अब दूर क्यों जाना, मुझे को देख ले। पूरी दुनिया में अगर कोई मेरी बेइज्जती करता है तो वो है खुद मेरे ससुराल वाले। बहुत बेइज्जती करते मेरी यार, बहुत। मानता हूँ यार, तूने सुना नहीं, फैमिली, घर के काम काज, बच्चों की देखभाल, उसको पति ने नौकर चाहिए यार। मेरे भाई तो नॉर्मल पति को भी तो घर के काम करना पड़ता है, सब होमवर्क करते हैं। जमाना तो है नौकर बीवी का। और फिर सबसे पते की बात, घर जमाई के पास हमेशा कम से कम एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन होता है। पूछ क्या? कौन सा? वो ये कि कम से कम वो अपने मायके जाने की धमकी तो दे सकता है। बेचारे नॉर्मल पति के पास तो ये भी विकल्प नहीं होता। तू भी चल। अबे शादी तुझे करनी ना कि मुझे। अबे जाना मेरे गजनी कांत, गुड बाय। अबे जाना हड़। तो बताइए क्या सोचा आपने? मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? मेरी माँ भी हमारे साथ रहेगी।
प्लीज प्लीज। अगर आपकी माँ हमारे साथ रहेंगी तो मुझसे हजारों सवाल पूछेंगी, बिना मतलब के किट-किट करेंगी, जो मैं नहीं चाहती। इसीलिए आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने दो जोड़ी कपड़ों में हमारे यहाँ आ जाइए। अकेले माँ को छोड़ के? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी देखभाल कौन करेगा? उसके लिए मेरे पास एक जगह है, मेरी मेरी संस्था का एक वृद्धाश्रम है, आप अपनी माँ को वहां रख दीजिए। वृद्धाश्रम? बहुत अच्छा किया आपने, वृद्धाश्रम बना लिया। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो आपका वृद्धाश्रम आपके जरूर काम आएगा। ऑल द बेस्ट। ब्लडी मम्मास बॉय। केशव मेरे यार, तू तो सुपरस्टार बन गया, कमाल हो गया। अबे क्या हुआ? अरे यार, तेरा वो मुशायरा वाला वीडियो था, याद है? हाँ? याद है जिसको मैंने YouTube पे अपलोड किया था? हाँ? दें, 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 मैजिक। टोटल 15,000 लोगों ने अब तक लाइक किया है। क्या बात कर रहा है? और सिर्फ इतना ही नहीं, 2,000 कमेंट्स भी आए हैं। मैं अभी बताता हूँ। रुक रुक, अरे केशव रुक 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 रुक। सही यार, 15,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। हाँ यार, कमेंट से कमेंट से। माय गॉडनेस। एक काम कर, तू कमेंट्स पढ़ और बता 2,000 लोगों ने क्या कमेंट किया। और सिर्फ इंडिया से नहीं है, पूरे वर्ल्ड से आए। थैंक गॉड। क्या पहला कमेंट क्या है? तू शायर नहीं, शैतान का भतीजा है, पता नहीं किस मनुष्य की गलती का नतीजा है। कोई बात नहीं, दूसरा कमेंट। तेरा मुशायरा देखने आएंगे हम सब दौड़े दौड़े। अगला मुशायरा कहाँ है बता, एड्रेस छोड़े। कोई बात नहीं। अमीर के बंगले के सामने गरीब का झोपड़ा। ऐसी घटिया शायरी लिखने वाले तेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक है शायद। रुकना केशव, क्या है? तेरी बहन प्रियंका चोपड़ा। ओह, सुन, इसको भी डिलीट कर। और आइंदा मेरा ये वीडियो किसी टायर ट्यूब के नीचे डाल देना, मगर यूट्यूब में मत डालना। यार केशव, तू बुरा मत मान यार मेरे दोस्त, ये जमाना बहुत अर्बन हो गया है। ये हिंदी की कविता है, उर्दू की शायरी, ये आजकल के लोग समझ ही नहीं पाते। ये जो तू कह रहा ना कि अर्बन जमाना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाषा के लिए लड़ते हैं, जबकि उनके मासूम बच्चे खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। कहां जा रहे हिंदुस्तान के लोग? तुझे पता है प्रैक्टिकली हिंदुस्तान में 40 करोड़ लड़कियां हैं और तेरे सोशल मीडिया पे 52 करोड़, 12 करोड़ तो चीटर एंजल घूम रही है। शादी.com वाले तो आपके काम पे डाउट करते हैं, और जीवन साथी वाले तो आपको जीवन जैसा विलन समझते हैं, और विवाह मंडल वाले तो आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, और तेरे पास तो सिर्फ ग्राउंड ही ग्राउंड है, मेरे टोपी नहीं यार। आज तो आखिर बता ही दे, तेरे बाल उड़े कैसे राकेट रोशन? क्या बताऊं यार, ये जो मेरी हेरिडिटी है ना, ये मेरी हेरिडिटी है। मेरे पिताजी मिस्टर बाल प्रजापति, उनके भी बाल नहीं थे, और मेरे दादाजी, उनका तो नाम ही चंद्र था, पूरा मोहल्ला उनको सीएम सीएम कहता था। अरे सीएम चंदा मामा। यार मैंने तो सुना है जिनके बाल जाते हैं उनके पास पैसे आते हैं, तो फिर उस हिसाब से तुझे तो बिल गेट्स का पार्टनर होना चाहिए। हाँ? अबे गंजे अगर बहुत अमीर और पैसे वाले होते ना, तो बिल गेट्स भी आज गंजा होता मेरी तरह। यार देख केशव, बुरा मत मानना, आजकल की लड़कियां है ना, लड़कों में सिर्फ दो ही चीज देखती है, जेब में माल और सर पे बाल। सही कहा यार, और इत्तेफाक से अपने पास दोनों ही चीजों का है अकाल, इसलिए लड़कियों की नजरों में अपन शाकाल। किस लड़की को ट्राई करूं?
ये ठीक है, इससे दोस्ती करते हैं, क्या पता बाद बन जाए। हम दोनों को घूमते फिरते इतना दिन हो गया, फाइनली हम शादी कब करेंगे? शादी? ओ स्वीटू, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। लव यू, मेरे मन की बात। खिले फूलों में तुम्हें गुलशन की तरह देखा, बरसी बदली में तुम्हें सावन की तरह देखा है। सजे हैं ख्वाब मेरी जिंदगी की राहों में हजारों, हर ख्वाब में तुम्हें ही मैंने दुल्हन की तरह देखा है। स्वीटू, अब हमारा पेयर बन के ही रहेगा। पेयर? ये किसका पेयर है? प्यार के वादे मेरे साथ और गुलछर्रे किसी और के साथ। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड कॉफी, शॉपिंग सब मेरे साथ। एटीएम मुझे समझ रखा था और ये पेटीएम मिल गया तो मुझे भूल गई। नो 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 नो, ही इज नॉट माय बॉयफ्रेंड, यू आर माय बॉयफ्रेंड। वो मेरी सहेली है ना ट्विंकल, उसके अंकल है। हेलो, आई एम लताशा, सिंगर कम एक्टर। हाय लताशा। एक्चुअली मेरी मम्मी लता जी की फैन है और मेरे डैडी आशा जी की। लता मंगेशकर, आशा भोसले? आशा भोसले नहीं, आशा पारिक जी। अच्छा, इसलिए मैं लता जी जैसे गा भी सकती हूँ और आशा जी जैसे डांस भी कर सकती हूँ। अब पता चला कि नागपुर में लता मंगेशकर हॉस्पिटल क्यों है और मुंबई में आशा पारिक हॉस्पिटल क्यों है। क्या कर रही हैं आजकल आप? एक म्यूजिक एल्बम कर रही हूँ जिसमें एक्टिंग भी मैं कर रही हूँ और सिंगिंग भी। अरे वाह, अरे वाह, तो कोई गाना सुनाइए ना। यू केम तो आई रिमेम्बर माली में चांद निकला। तो कोई दूसरा वाला सुनाई। माय चांद मुझे आई कैन सी। कोई रोमांटिक सुनाइए ना। ए चांद गॉड स्वेयर आई हैव आल्सो माय चांद। कुछ और सुनाइए ना, कुछ दूसरे टाइप का, कुछ दूसरे टाइप का। चांद हाइडिंग क्लाउड, माय लव शाइन लाउड। तेरा सॉन्ग सुनकर मरने का इरादा भी नहीं, प्यार है तुझसे मगर इतना ज्यादा भी नहीं। क्या है, क्या है ये सब? अब तू क्यों मेरा वेट कर रही है? मैं भी मेरा ये वाला। क्या हुआ झल्ली? कौन सा लव? पक्का आऊंगा, सी यू। समझा केशव? समझ गया मैं। सोशल मीडिया के सगे रहो और जब तक चांस ना मिले तब तक लगे रहो। डार्लिंग, नेगेटिव पब्लिसिटी इज द की ऑफ द फास्ट सक्सेस। जिसके पास है कंट्रोवर्सी उस पर दौलत बरसी, शोहरत बरसी, इज्जत बरसी। अच्छा एक बात बताओ पूजा, तुम इंटरनेशनल लेवल की मॉडल बनना चाहती हो ना? यस मैडम। तो कंट्रोवर्सी भी इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। तभी तो लोग तुम्हें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आपस में शेयर करेंगे। जैसे कि? जैसे कि मान लो तुम कहो कि अगर ट्रंप इस बार भी इलेक्शन जीत गए तो मैं कपड़े उतार कर डांस करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। करना नहीं है, सिर्फ कहना है। या किसी बहुत ही बड़े आदमी के लिए, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन हो या कोई बहुत बड़ा एक्टर हो, उसके लिए कुछ उलझलूल बोल दो, उसकी पर्सनल लाइफ पर अटैक करो। वो तुम्हारे पास आएगा, तुमसे झगड़ा करेगा और उस झगड़े को तुम रिकॉर्ड करो, हम पोर्टल पे डाल देंगे। थंबनेल तगड़ा और कंटेंट में झगड़ा। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, एंड आई लव कंट्रोवर्सी। ऐसा करो तुम एक हॉट सा फोटोशूट करवाओ। फोटोशूट में शूज तो पहन सकती हूँ ना? हाँ, कम से कम शूज तो पहन ही लो। Hmm.
बेटा केशव, आज खुद को रोका तो हाथ से निकल जाएगा ये मौका। क्या करूं, 2 लाख कुछ करता हूं। नहीं, हाँ, इतनी प्यारी लड़की यार, कितना प्यार करती है अपने माँ से। हश, ये मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। कितनी अच्छी लड़की थी, ओ गॉड। अरे वाह, हेलो, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपको मिले क्या? हाँ, मिल गए, थैंक यू। थैंक यू की क्यों बात कर रही हो? थैंक यू तो पराये को कहा जाता है, और हम पराये थोड़ी हैं। कब मिल रही हो? कल मिलते हैं ना, बीच से गाड़ी। 2 बजे। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। स्वीट ड्रीम्स। मुझे प्यार हो गया नाकुने मीदा प्रेम नदी, तू है सनम मेरी जिंदगी। क्या बात है केशव, बड़ा खुश दिखाई दे रहा तू आज। वो मैंने ना तेरा वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया सोशल मीडिया। कुछ बात बनी? बनी, वो यहाँ मिलने आने वाली है, इधर ही मिलने बुलाया है। क्या बात है यार, मुझे भी मिलवाना। हाँ, उससे छुप के देखना। तू भी ना। मैं तेरे को उसकी आवाज सुना दूं क्या? अरे नेकी और पूछ पूछ, सुना सुना। हाँ,
ट्राई कर, यही नंबर है। एक बार और ट्राई कर। यही तो था। केशव टेंशन मत ले, देख एक गई है ना तो दूसरी आएगी, यूं आएगी फटाफट, समझा तू? चिंता मत कर। टेंशन क्यों ना लू यार, लड़की तो गई साथ में 21,000 भी गए। हाँ, जब मैं उससे चैटिंग कर रहा था ना मैं इमोशनल हो गया, उसने 21,000 मांगे और मैंने गए। हाँ अरे यार केशव, ये चैटिंग नहीं चीटिंग थी, चीटिंग। चीटिंग? हाँ, सोशल मीडिया में ये लड़कियां आई लव यू जानू, मैं 7 जन्मों तक सिर्फ तुम्हारी हूँ और फिर सेंड टू ऑल कर देती। बाप रे। मतलब अच्छा सुन, तूने चेक किया था वो लड़की थी लड़का था या बीच वाला? अरे लड़की की आवाज थी यार। अरे यार आजकल के जमाने में ऑडियो लारा तत्ता का होता है और वीडियो ब्रायन लारा। अरे दूर क्यों जा रहा मैं मेरी बात कर। पता है पहले मैं एक साथ 2 आवाजें निकाला करता था एक ही गले से, अलका याग्निक और कुमार शानू की। अरे दोगले के नाम से फेमस था मैं, दोगला, सब दोगला बोलते थे। बोल लेके ना तुझे टोपी पहनाके टोपी, अब सॉरी तुझे बुरा लग गया ना। अरे तो लेकिन मेरी बात तो सुन, जख्मों पे नमक डाल रहा है। हेलो सुन, अरे यार तू भी ना देख केशव, नाराज मत हो, देख तेरा भी टाइम आएगा पक्का। क्या टाइम आएगा यार, अपना तो टाइम और टाइमिंग दोनों खराब है। जब भी किसी लड़की को जीवन साथी बनाने का सपना देखता हूं, हकीकत में बाद में वो लड़की उसका नंबर दोनों एंगेज मिलते हैं। आज छुट्टी के दिन भी स्टेरिल्स को चैन नहीं। हाँ कहाँ है बेटा क्ले, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया? लेकिन आज तो बाल दिवस की छुट्टी है। वो उनके लिए जिनके बाल होते हैं, तेरे लिए नहीं है। जल्दी से आजा वरना हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगी। तेरी तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ आने वाली सुपर डुपर हिट फिल्म गेट टुगेदर के हीरो बॉबी हैंडसम जी से। आपको इंडस्ट्री में आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल? स्ट्रगल माय फुट बेबी, मैं चर्सी हो सकता हूँ, मैं ड्रगिस्ट हो सकता हूँ, आई कैन बी रेपिस्ट, बट स्ट्रगल? आई एम बॉबी हैंडसम बॉबी। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका पहला कदम इंडस्ट्री में कैसा रहा, मतलब आपने शुरुआत कहाँ से की? एक्चुअली एक दिन मैं जिम से बाहर निकला अपने बड़ी सी गाड़ी के अंदर, एंड आई सॉ ए पुअर डायरेक्टर कमिंग इन अ स्मॉल कार और मेरी बड़ी सी गाड़ी को देखा, एंड हम दोनों में दोस्ताना हुआ, हम लंच पे गए, लंच किया और इवनिंग में शाम में जिम लॉन्च किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ टू प्रमोट द सेम फिल्म। ओह यू आर सो लकी। ये बताइए कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है या हीरो हीरोइन, कोई अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में बताइए। बॉलीवुड मूवी? यू क्रेजी, पसंद ही नहीं है बॉलीवुड, नाइदर इज सिंग नॉर आई लिसन, गॉट इट? इन फैक्ट यू नो माय मॉम रिसेंटली गॉट मैरिड विद अ फॉरेनर। फॉरेनर? ओह वेरी नाइस। बाय द वे आपके पापा का नाम क्या है? जूली। जूली तो औरतों का नाम होता है। हाँ तो औरत से ही तो की। औरत से की है? वाह क्या कैरेक्टर है आपके पापा का और क्या कैरेक्टर है आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। धन्यवाद धन्यवाद, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच। दरवाजा इधर है। पुअर गर्ल। ओह गॉड। वासी देखा ना आपने, अपनी आंखों से देखा ना कैसे कैसे लोग बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, नमक हराम कहीं के, हिंदी का खाएंगे, हिंदी में नाम कमाएंगे, लेकिन हिंदी फिल्में पसंद नहीं, हिंदी गाने पसंद नहीं, हिंदी एक्टर पसंद नहीं। हो गया तुम्हारा, मैं बोलूं? पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ क्यों? तुम्हारी वो भोजपुरी हीरोइन है ना क्या, दीपिका शुक्ला? हाँ दीपिका शुक्ला, उसकी इंटरव्यू लेनी। ये बताइए दीपिका जी, आप शादी किससे करेंगी, कोई फिल्म स्टार या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या कोई खेल की टीम का मालिक? दौलत और जवानी एक दिन खो जाए।
इसीलिए मैं कभी किसी अमीर और बिजनेसमैन के बारे में नहीं सोचू। गरीब भी हुई तो चलिए, लेकिन लेकिन हमारी तीन शर्त है। पहली शर्त, वो दिल का सुल्तान हुई। वो दिल का सुल्तान हो, पहली शर्त। दूसरी, वो रोमांस का बाजीगर हो। वो रोमांस का बाजीगर हो। और नंबर तीन, वो टैलेंट का सीक्रेट सुपरस्टार हो। और यही हमारी तीन शर्त है। तीन शर्तें हैं जनता, आप अगर इनको अपने दिल की रानी बनाना चाहते हैं। दीपू डार्लिंग, फ्री हो गई हो? जी। चलो शॉट रेडी है, कम। कुछ भी, आप लोगों को इंतजार करना है। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को, दे डिजर्व इंसल्ट। ए प्रोड्यूसर, एक कास्टिंग काउच में लिपटल ना, फिल्म का ऑफर केहू और एक के दिहाई। ई ढिंचक रूपा के नहीं, हम तोहरन जैसे लोगों को अच्छी तरह जानते। हमरे पास टैलेंट बा, समझे के नहीं। फखरुद्दीन बेग के साथ इधर आ, मेरे में है यार वो तीनों क्वालिटी। हमको ना उसी स्तर के हीरोइन मत बुझाई, जॉन अपने बी स्तर के परफॉर्मेंस से ए स्तर का बनना चाहिए, समझे के नहीं। कट इट, वाओ, माइंड ब्लोइंग बा। ए हाउले असिस्टेंट। अच्छा सुनो जान, तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो। एक तो मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो और साथ ही साथ फिल्म में प्रोड्यूसर का रोल भी कर रहे हो, और इसके लिए तुम हमसे कितना बेइज्जती भी कराते हो। अरे दीपू, इज्जत का क्या है, कभी कभी देनी पड़ती है, कभी कभी लेनी पड़ती है। अरे हाँ, इज्जत से याद आया, सुनता, शो मी सेकंड मेन लीड आर्टिस्ट ऑडिशन, टुमारो आई एम शूटिंग प्लानिंग। सर एक मिनट, हमारी उनसे वार्तालाप हो गई है, वो हमसे कह रहे हैं कि 60-60 फिल्म की एक बात ऑडिशन ऑडिशन के चक्कर में हम न पाए, क्या करें हम बताइए। अरे इडियट, व्हेन यू आर कॉल्ड सीनियर एक्टर, सीनियर आर्टिस्ट, डोंट से ऑडिशन। फिर अरे से सर, लुक टेस्ट, लुक टेस्ट। अच्छा आप समझे ना। शिफ्टिंग, नेक्स्ट लाइट एरिया। नेक्स्ट लाइट एरिया, अरे आतंकवादी, इडियट, नेक्स्ट लाइट एरिया। आप फिकर मत कीजिए, फिल्म खत्म होने के बाद रिलीज आप ही करेंगे। हाँ, डिटेल्स आपको जस्ट अभी व्हाट्सएप करता हूँ। ओके। क्या जानू, मुझे यहाँ बुलाकर खुद फोन पे लग गए ना। अरे दीपू डार्लिंग, तुम तो जानते हो कि प्रोड्यूसर का काम कितना बिजी रहना पड़ता है, मीटिंग्स एंड ऑल, यू नो। एक तो रोमांस का बाजीगर हूं, दूसरा मैं टैलेंट का सीक्रेट सुपरस्टार हूं, और मैं लगता भी सुल्तान हूं। मैं ट्राई करूं क्या? हम कब तक ओम शांति ओम के दीपिका और अर्जुन रामपाल की तरह इस तरह चोरी चोरी मिलते रहेंगे। बस अब और नहीं, हमको ना अब शादी कर लेनी चाहिए। अरे दीपू डार्लिंग, एक बार मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे दूं ना, फिर हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। पक्का? पक्का। दीपिका जी, मुझे दीपिका जी से बात करनी है। बात करें दो मिनट। बोलो। मैम, अभी भी जो बार बात है कि इंटरव्यू में कि आपको आपके जीवन साथी में चाहिए सुल्तान, बाजीगर, सीक्रेट सुपरस्टार, तीनों क्वालिटी आपको चाहिए। मुझे लगता है मेरे अंदर तीनों गुण है। ओके, तो आपका कहना है कि आप सुल्तान हो, बाजीगर हो और सीक्रेट सुपरस्टार भी हो। वैसे हमारा एक सपना था कि हमारा पति जैसा भी हो, मगर उसके सर पे शाहरुख खान की तरह ढेर सारे बाल होने चाहिए, वो भी सिल्की सिल्की। खैर, मैं तुम्हारे इन बालों से काम चला लूंगी, कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। नहीं नहीं दीपिका जी, आप कॉम्प्रोमाइज करें, मेरे होते हुए मैं हर कोशिश करूंगा, हर इलाज करूंगा, बाल लेके आऊंगा अपने सर पे, ताकि आप दुल्हन बन के आए मेरे घर पे। वाह मेरे शेर, तूने तो कर दिया मुझको ढेर। वाह, इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए, सेल्फी हो जाए। बिल्कुल। Bye-bye.
बाय दीपिका जी, बाय दीपिका, बाय दीपू, बाय, चलिए चलिए, बाय बाय। ए माइकल जैक्सन, गजब का स्टाइल, गजब का एक्शन। अबे रुक, अंदर कहाँ जा रहा है, इतना क्यों इतरा रहा है, सज धज कर इधर उधर झूम रहा है, वो लड़की कौन है जिसकी यादों में तू झूम रहा है। सांसों में मेरे धड़की वो यूपी की लड़की, चिंगारी जैसी भड़की वो यूपी की लड़की, कर गई बेकरार मुझको वो मेरे यार, दे गई इंतजार, आंखों में मेरे फड़की वो यूपी की लड़की, सांसों में मेरे धड़की वो यूपी की लड़की। बातों में उसकी है लखनऊ की मस्ती, अल्लड़पन जैसे हो गोंडा और बसती, हाँ बातों में उसकी है लखनऊ की मस्ती, अल्लड़पन जैसे हो गोंडा और बसती, उसकी सूरत में दिखे काशी बनारस, हर आधा उसकी मेरठ और हाथरस, वृंदावन वो अवध, हिंदी उर्दू की वो हद, हिंदी उर्दू की वो हद, भोजपुरी है वो जड़ की वो यूपी की लड़की, सांसों में मेरे धड़ की वो यूपी की लड़की। करारी गजक जौनपुरिया, नैना कटीले से है रामपुरिया, हाँ वो है करारी गजक जौनपुरिया, नैना कटीले से है रामपुरिया, बर्फी बरेली की मथुरा का पेड़ा, लौह इलाहाबादी उसको जो छेड़ा, आगरा का ताजमहल इश्क की वो पहल, इश्क की वो पहल, कचौड़ी अलीगढ़ की वो यूपी की लड़की, सांसों में मेरे तड़की वो यूपी की लड़की। सात दिन में गिरते बालों का शर्तिया इलाज, पुराने बस स्टॉप के पास तंबू नंबर 6, बालकेश्वर उत्तर नॉर्थ, मिलने का समय जब आपके पास हो।
पहुंचे बाल गणेश। बाल गणेश, विघ्न हर्ता, मुझे विघ्न दे, मतलब मुझे विघ्न न दे, असली बाल दे। बाल के खाल निकालने वाले तो कई लोग हैं, पर इस खाल पे तू ही बाल निकाल सकता है भगवान। इस खाल पे बाल निकाल दे, मुझे विघ्न न दे। केशव? हाँ माँ। माँ बुला रही है, पार्वती माँ। टेक केयर, मेरा टेक केयर। हाँ ए बेटा केशव। आया मेरी माँ। सुन तो बेटा, देख तो ये तेरे पैंट की जेब से एक पर्ची निकली है, किसी काम का तो नहीं है तेरे? देख तो। नहीं माँ, ये काम का नहीं है, ये खामखा है। देख बेटा, तू ये विज्ञापन वालों के चक्कर में आके कुछ उल्टा सीधा बालों में मत लगवा लेना। हाँ, अरे ये क्या किसी के सर पे केस उगाएंगे? इनके सर पे तो खुद 500 फ्रॉड के केस चल रहे हैं। अरे मैंने सुना है कि इनके ऑपरेशन से अच्छे खासे इंसान के दिमाग की हालत खराब हो जाती है और पागल हो जाता है बेटा। तुमको कैसे पता माँ? तेरे पिताजी भी गए थे। अच्छा अच्छा, सुन सुन, देख इसीलिए कहती हूँ। अरे सुन छोड़। हाँ। इसीलिए कहती हूँ कि देसी इलाज करा। मैंने तेरे लिए नीम की छाल और करेले के बीज का जूस बनाया है, पता है? ये तेरे पहाड़गंज वाली बुआ का नुस्खा है। अरे ले पी पी, अरे इससे बाल उगेंगे। पी ना पहाड़गंज। अरे जिस शहर के नाम में गंज हो, वो किसी गंजे का इलाज क्या करेगा? अरे पी तो पी तो। सात दिन में सर पे बाल लाने का शर्त या इलाज। अरे रुक जा। स्पीकर पे रख। ये रख दिया। सुन मेरी बात, वैद्य जी से तमीज से बात करना। हाँ हाँ, अबे तेरे बाल का सवाल है। या हेयर साइंटिस्ट गुल्लू गुलूकंद। हेयर? बालों का प्रॉब्लम है? ओके। बाल किधर किधर नहीं है? डोंट वरी, आई विल टेल यू। घर में लौकी है, छोटा टुकड़ा कर। हाँ, टुकड़ा करके जहाँ जहाँ गंजा है ना सर पे, जहाँ जहाँ गंजा है उधर रगड़। हाँ? जोर से रगड़। और यू नो, अगर आप करेगा ना तो रब चाहेंगे तो उधर उधर बाल आएंगे। केशव, अम्मा नहीं है घर पे, जल्दी इलाज शुरू कर। मुझे लगता है इसी से तेरे बाल जल्दी आ जाएंगे। अरे सोच क्या रहा है, अच्छा मौका है, चल जल्दी इलाज शुरू कर। लगा ले लौकी खातिर लौकी। क्या अब तक बाल नहीं आए? ओ माय गॉड, लगता है आपके बाल आपसे बहुत नाराज है। नेवर माइंड, मेरे पास एक और बहुत अच्छा इलाज है। घर में अंडा है ना तो सर को अंडे पे नहीं फोड़ना है, अंडे को सर पे फोड़ना है। अबे तू फिर से सोच रहा है, अम्मा घर पे नहीं है, लगा ले अंडा। अबे अंडा लगाने से सर पे बाल आ जाते हैं, ये अंडा का फंडा है, ये अंडा कानून है, ये अंडा कानून है। लगा लगा लगा। अब क्या है, एक नींबू लो, उसमें आलू वगैरह साथ में जोड़ो और सर पे रगड़ो। रब इट हार्ड, ओके? रब चाहेंगे तो बाल आएंगे। ओके ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। या ओ माय गॉड, लोगों का बाल लाने के लिए मुझे कितने बड़े बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं, अपना नकली बाल लगा के। या ओ माय गॉड, ही सो वीक, झेल नहीं पाया मेरा वीक। केशव, अरे गुड न्यूज है तेरे लिए। अरे मैं कैसे बाबा को जानता हूँ जो 70 तरीके से बाल उगाते हैं। अरे वाह। हाँ। अरे एक साल से मैं उनसे इलाज करवा रहा हूँ। मेरे बाल तो जमीन छूने वाले हैं बस। क्या, बात कर रहे? क्या नाम है उनका? आचार्य गणेश। कहाँ रहते हैं? कौन सी सिटी में? अरे कौन सी सिटी, क्या फिल्म सिटी में रहते हैं। हेयर फॉल। जी गुरुजी। ये एक खास किस्म की प्रॉब्लम है जो अभी आम हो चुकी। जी गुरुजी। इसीलिए 11 मुल्कों का हेयर फॉल क्लाइंट का इकलौता कस्टमर केयर हूं मैं। गुरुजी, गुरुजी आप महान हैं, आप चमत्कारी हैं। गुरुजी आप ये फिल्म सिटी में क्या कर रहे हैं? तुझे क्या लगता है, यहाँ सब सितारे सितारे हैं? इधर आ, यहाँ कुछ चांद भी है जिन पे गिने चुने कुछ बाल है, मिटा देंगे सारे बाल। हाँ, मिटा देंगे सारे दाग। बट आई लाइक इट, दाग अच्छे है क्योंकि ये सब गंजे अपने ही बच्चे हैं। गुरुजी, आई लाइक यू।
इसलिए बड़ी आस लेकर आया हूँ गुरुजी, मेरी समस्या का आप ही समाधान कर सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे इस उजड़े हुए वीराने में फिर से बाल रूपी हरियाली आ जाए। ठीक है, मिटा देंगे तेरा सर दर्द। ये सर है या दो पहाड़ों में बहती हुई नदी का नक्शा? इस पे न दवा न दुआ कुछ भी असर नहीं करेगा, कैसा टकला है। गुरुजी क्या सोचा आपने, हो जाएगा ना मेरा इलाज? आप ही कर सकते गुरुजी, आप ही कर सकते, मैं बड़ी आस लेकर आया हूं। थोड़ा टाइम लगे क्योंकि तेरी ये समस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि 11 मुल्क के अंत तंत्र मंत्र के बियॉन्ड है। जिस दिन 13वां मुल्क मिल जाएगा उस दिन तेरा चमन खिल जाएगा। जी गुरुजी, गुरुजी फिर चिंता मत कर। मैं अभी जाऊंगा, आते वक्त दवाई लेते आऊंगा तेरे लिए भी। गुरुजी मुझे विश्वास है, आप ही कर सकते हैं, आप ही मेरे सर पे बाल ला सकते हैं। चिंता मत कर, जा तेरी जिंदगी में खुशी, तेरी जिंदगी में खुशियों की लहर आए। आप अगर चाहेंगे तो मेरे जीवन में खुशियां आएगी। आप अगर चाहेंगे गुरुजी। मैं टकला नहीं हो जाऊं इसको देखता। अजीब किस्म का बंदा सिर्फ गंजा है, इसका इलाज करूंगा तो मैं खुद गंजा बन जाऊंगा। हेलो, अरे यहाँ कोई बाला बोला का इलाज होता नहीं, फर्क टकले जिंदगी भर के गंजे। लगता धंधा बदलना पड़ेगा, कोरियोग्राफर बन जाता हूं। बेस्ट आइडिया। 1 2 3 4 हेलो वेयर आरजी मैडम से मिलना है, शायर केशव प्रजापति आए। केशव प्रजापति, लेट मी चेक, देन यू गो आउट। ओके। हाय आरजी मैम, गुड आफ्टरनून, मिस्टर केशव प्रजापति वांट्स टू मीट यू। टकले को बोलो वेट करे। ओके, वेट करने बोलता हूँ। ओ हेलो, छोटू पकड़ो, नॉट मी। पूरा मूड खराब मैडम। हाँ स्टॉप मैडम, ए आपकी लाते कॉफी। लाते कॉफी नहीं, कैफे लाते। गलत मत बोला करो, ये कॉफी भी अंदर नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है जाओ। आरजे जी, मुरादाबाद का जो मुशायरा था ना, जिसका पीडीसी आपने दिया था, हाँ वो बाउंस हो गया। इसमें चौंकने वाली बात क्या है, तुमने जैसे शेर सुनाए थे वो भी तो बाउंस हुए थे, तो जैसा परफॉर्मेंस वैसा पेमेंट। लेकिन ये पैंतरे है ना, मुझे मत सिखा समझा। पूरी दुनिया में मैं परफॉर्मेंस करती थी एज एन आर्टिस्ट, और आज मैं सारे आर्टिस्टों को हर जगह परफॉर्मेंस कराती हूँ, समझ गया। ये जो शो ऑफ इवेंट्स है ना, इसको करने में कोई भी मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। सीधा पैर पकड़ते हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस समझाइए ना सबने। अरे मेरा बॉस नहीं है, इसका नाम है टीसी बॉस, टी कॉफी बॉस, समझे। ये मिमिक्री आर्टिस्ट का फोन है, पिछले 3 महीने से फोन कर रहे पेमेंट के लिए। अबे गधे, ऐसी प्राइवेट बातें सबके सामने नहीं करते, खामोश रहो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरजी जी हैं? शिवेंट। तो उनका कोई मैनेजर होगा? हीवेंट। स्टाफ में तो कोई बंदा होगा? देवेंट। कहाँ गए? फॉर इवेंट। अच्छा कब तक आएंगे? आई डोंट नो, आई एम माय पुअर सर्वेंट। ओके बाय बाय टाटा। मैडम मैं मैकरी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। समझ में आया। क्या समझ में आया? जैसे टी ऑर्डर कॉफी ऑर्डर वैसे डिसऑर्डर। हे भगवान, मुझे इस बॉस से बचा लो भगवान। आइए आइए आइए, ए टकलू इधर खड़ा हो। लेकिन पेमेंट। अबे उठ ना। अरे आइए 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 आइए, कैसे घसे लो बच्चा, प्लीज आइए ना। साईं, मेरा नाम है प्रेम, प्रेम लालवानी फ्रॉम उल्लासनगर। मैं चाहता हूँ तुम्हारा क्रियाक्रम कर देवे। क्या इनका मतलब है कार्यक्रम?
ओह कार्यक्रम, मुझे तो आपने डरा ही दिया था। हमारा तो काम ही है शो करवाना, तो बताइए क्या बजट है आपका और कौन से स्टार्स चाहिए आपको। वैसे मेरे पास शाहरुख, सलमान, आमिर, कटरीना, इनको छोड़ के सब लोग है। हमको क्या है, कुमार विश्वास का उल्लास नगर में एक कवि सम्मेलन करवाना है, चैरिटी। चैरिटी चैरिटी का मतलब है 4 रुपए लेकर 80 रुपीज कमाना, समझे? अच्छा अच्छा जी, वो तो लाखों रुपए लेंगे। हमारा बजट 1000 का है। 1000 में आप कुमार विश्वास को लेंगे? देखिए इतने बजट में ये बीमार विश्वास आएगा। चल चल करके दिखा, ए बीमार, चल चल करके दिखा जल्दी। मत करो जी, शो तो पक्का हो जाएगा आपका। मैडम वो आ गए उर्दू के दुकान, अब इसको कैसे निपटेंगे? अरे खुदा हाफिज, खुदा हाफिज चाचा, कैसे हैं आप? बहुत बीमार चल रहा हूँ बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, घर पे सब कैसे हैं चाचा? घर के हालात भी बहुत नासाज हैं बेटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अब तो ऐसा लगता है खुदा के पास जाने का वक्त आ गया है। आमीन आमीन आमीन। बेटा अब तो हिम्मत भी जवाब दे चुकी है, अब तो ज्यादा दिन चल नहीं पाऊंगा इंशाल्लाह। वैसे चाचा आपके लिए कोई भी मुशारा है नहीं मेरे पास? बेटा मैं मुशायरा के काम से नहीं आया हूँ, दरअसल मैं किसी और काम से आया हूँ। चाचा यह अच्छा हुआ कि आपने नया काम शुरू कर दिया। अच्छा बताइए क्या काम है? बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरी शायरी का दीवान, माफ करना मेरा मतलब है मेरा बुक प्रिंट हो जाए तो बेटा तुम इसे छुपवा दो। आजकल बुक का नहीं फेसबुक का जमाना है चाचा, तो थोड़ा लाइव शाइव आइए तो बहुत सारे आपको लाइक्स मिलेंगे। और हाँ आपके जमाने के नोट भी तो बंद कर दिए गए हैं, कोई और काम चाचा? बेटा इसमें एक से एक बढ़ के शेर है और कमाल के काफी और रद्दीफ हैं। तो ठीक है, ऐसे बड़े काफियों को रद्दी में बेच डालिए आप। हाँ यहाँ ही मेरे साथ। ये क्या कर रहे थे सलीम साहब, इसे रद्दी में बेच रहे थे? और क्या करता, आपने सुना नहीं था कि राखी ने कहा था कि रद्दी वाले को दे दो? आइए घर जाना, आपको मैं छोड़ दूं, ऑटो पकड़वा दूं? नहीं बेटा मैं घर पैदल ही जाऊंगा, ऑटो के पैसे नहीं है मेरे पास। वैसे तुम क्या करते हो? मैं भी शायर हूं। तुम शायर क्यों बनना चाहते हो बेटा? गायक बनो, नायक बनो या विधायक बनो, कुछ पैसे कमा लोगे। और अगर कुछ नहीं बन सकते तो नालायक बनो, शायर कभी मत बनो। इस कमबख्त शायरी ने तो गालिब साहब को भी जीते जी कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बेटा इस शोबे में कोई कमाई नहीं है, शायर की ना तो घर में इज्जत है और ना बाहर। मैंने सोचा था राखी मेरी मदद करेगी दीवान छपाने में, 2-4-5 लाख मिल जाएंगे और मेरा बुढ़ापा सुकून से गुजर जाएगा। जवानी हमने यारों और दोस्तों की मदद में गुजार दी, कईयों के फोकट में प्रोग्राम किए और कई नेताओं की शान में कई कसीदे पढ़े हैं। और राखी जब मुंबई में नई नई आई थी तो मैं इसे लिए पता नहीं कहाँ कहाँ फिरता था, और वहीं से इसने अपनी इवेंट कंपनी शुरू कर दी। आज मुझे कहती है कि चाचा आपकी शायरी कोई समझेगा नहीं। वाकई जमाना बहुत बदल गया है बेटा। ये रख लीजिए। देखो बेटा ये भीख मैं नहीं ले सकता। भीख नहीं मदद है। भीख और मदद
एक ही होती है बेटा। चाचा प्लीज अपना बच्चा समझ के रख लीजिए। ठीक है, अगर तुम अपनी कमाई मुझे दे रहे हो, मैं अपनी जिंदगी का सारा सरमाया तुम्हें देता हूं। सिर्फ 1000 रुपए में ये आप अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझे दे रहे? बेटा रद्दी वाला तो मुझे 5 रुपए से ज्यादा ना देता, तुम तो मुझे 1000 रुपए दे रहे हो। इससे कम से कम मेरी जिंदगी के 4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। काश कोई पूरी मेरी उम्मीद हो जाती, मायूसी भरी जिंदगी भी ईद हो जाती। मैं चलता हूँ बेटा। हाँ ये चाचा मैं छोड़ देता, मैं पैदल ही चला जाऊँ। बेटा फिर भी 4 पैसे बच जाएंगे, मेरी हालत तो तुम समझते हो ना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मिलते हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ रमेश भारती अंकल, चरण स्पर्श फिल्म के गीत के लिए आपने बोला था ना? हाँ जी, हाँ जी, मिल लूंगा। आपके जूते चप्पल सर नमस्कार, मेरा नाम केशव प्रजापति है, मैं गीतकार हूँ। आपके पिताजी ने मुझे आपका नंबर दिया था। ये पिताजी भी सर मुझसे कोई गाना लिखवाइए ना। आपको तो पता है आजकल गानों में कितना अच्छे गानों का वैक्यूम आ गया है। तुम वैक्यूम क्लीनर? नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैं तो कवि हूँ, शायर हूँ। शायर गजल? गजल लिखते हो? हाँ हाँ सर, गजल लिख दूंगा सर। गजल बहुत बढ़िया सर। किस टाइप की गजल चाहिए आपको? जगदीश सिंह, चित्रा सिंह? हनी सिंह? हनी सिंह? हनी सिंह और गजल? क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा थॉट है सर, हनी सिंह गजल एक नया थॉट है सर। अच्छा सर, आई लाइक इट। भजन? भजन लिखो। हाँ 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 सर, भजन भी लिख देंगे। कौन गाएगा, अनूप जी या नरेंद्र चंचल? बादशाह गाएगा। बादशाह भजन? उधर डायरी पे हमारा नंबर लिख के जाओ। हनी सिंह गजल, बादशाह भजन, कहीं ये आदमी कुमार शर्मा से रैप ना गवा दे, ये बदतमीज पक्का म्यूजिक के मीटू में फंसेगा। अबे कन खजूरे, तू फिर आ गया? कमाल है, कितना बेशरम है ना तू। हाँ, और तूने सोचा भी कैसे कि तू मुझसे शादी करेगा? एक तो तू गरीब और ऊपर से तेरी शक्ल देखी है, बिल्कुल कार्टून है कार्टून। देख, मेरी माँ ने भी ना एक गरीब से शादी की, बेचारी सारी जिंदगी लोगों के बर्तन ही धोती रही। मेरी एक बात ध्यान से सुन, मैं किसी अमीर की फ्रेंड बनना पसंद करूंगी, मगर किसी गरीब की बीवी नहीं। समझ में आया? चल निकल यहां से। अरे काट 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 काट। मैडम मैडम, क्या हुआ नायडू जी? अरे मैडम, दिस इज अ भोजपुरी फिल्म, व्हाई आर यू टॉकिंग इन हिंदी यार? ओ रिस्पेक्ट दी भोजपुरी लैंग्वेज, यू नो। यस, ओके ओके फाइन, ओके फाइन। टेक योर टाइम मैडम, टेक योर टाइम एंड रीड दी स्क्रिप्ट एक बार फिर। ओके गुड, ओके ब्रेक यार, 45 मिनट। 45 मिनट? अरे तेरे से बहुत परेशान हुआ रे मैं। अरे ब्रेक फॉर टी, 5 मिनट ओनली। 45 मिनट तो साहब आप खुद ही खुल के बोलते, नहीं हमारा मथवा चकरा जाता है।
टी ब्रेक भाई साहब टी ब्रेक। बहुत परेशान हुआ रे तेरे से। क्या बताऊं यार। अरे सुन, बाल बच्चे कैसे हैं? उन्हीं को करने जा रहा हूं। बोतल में नाले का पानी पी रहा हूं, पता है? बताया कि नहीं? बोन हो गया। अरे अरे सुन रहे, सुन इधर इधर अगला शॉट लगाने का बाबा। क्या लग रहा फोन पे? चल कन्विंस मिलेगा क्या? हाय दीपिका जी। हाय केशव, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बाबू मुसाई, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? जबरदस्त। सच्ची? सुपर्ब। कल ही मैं आपकी वो फिल्म देख रहा था, जो पहली फिल्म थी, हमारी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। हाँ। क्या एक्टिंग की आपने, पहली फिल्म में इतनी अच्छी एक्ट। ट्रू गुड। और ये तो आपकी दूसरी फिल्म है, इसमें तो डबल धमाल हो जाए। हाँ। ये फिल्म ना बहुत हाँ? अच्छी बन रही है, और जब ये रिलीज होगी ना हाँ? तो मैं ऊंची चोटी की हीरोइन बन जाऊंगी, ऊंची चोटी की। बाबू मुसाई, ऊंची चोटी का मतलब समझते हो ना? समझते हैं। अच्छा? समझते हैं। वो छोड़िए, ये पिक्चर जब आपकी रिलीज होगी ना तब आप देखना, इस फिल्म को देखने का मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। इसको मैं थिएटर में तो देखूंगा ही देखूंगा, होम थिएटर में भी देखूंगा। अच्छा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी फिल्म अब पीजी हो जाए। पीजी? पीजी? हाँ? मतलब प्लैटिनम जुबली। वाओ, सो स्वीट। अच्छा ये बताओ, अपने बालों का इलाज करा रहे हो ना? चल रहा ना मेरा होम्योपैथी चल रहा है। वाह, मेरे होम्योपैथी। दीपू डार्लिंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो चलो अगले सीन की तैयारी करनी है, कम। दीपू, ये बाहर से तो लगता है एसआर के, लेकिन अंदर से है केआर के। अपने दिल के मैन ऑफ द मैच में इस वाइड बॉल को छोड़ और इस नो बॉल को चुन। आई लव यू दीपू। वाह वाह, क्या बात है सलीम साहब, क्या रोमांटिक शेर, एक से बढ़कर एक सब है। हाँ, दीपिका को सुनाता हूँ, रोमांटिक शेर है, खुश हो जाएगी। हेलो स्टार ऑफ द मिलेनियम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। दीपिका जी, मुझे आपको पता है मिलना चाहते हो। मैं आपको देखना चाहते हैं, मेरे शूट पे आ जाइए। अच्छा आता हूँ, सेम सेट ना? हाँ, सेम प्लेस। अच्छा, किस सीन का शूटिंग चल रहा है? क्लाइमेक्स। अच्छा, द एंड? हाँ, पक्का? सर के बल आऊंगा। नहीं नहीं केशव जी, सर के बल नहीं, आपके बालों का इलाज जो चल रहा है। हाँ, पक्का आऊंगा। क्या बात है केशव, क्या हुआ? यार आज एक मिनट, बॉसी का फोन है। हाँ बॉसी। बाल में बाढ़ आई, तुझे वहाँ की कवरेज लानी है। अभी बॉसी? मेरी बात को मत टाल। हाँ टाल, समझता है ना टकले। ओए क्या हो गया? अरे यार फंस गए, मैंने कल दीपिका को मिलने का वादा कर दिया और बॉस आज भोपाल भेज रही है, तो दो दिन तो वहाँ लग जाएंगे, तो फिर मैं दीपिका से कैसे मिलूँगा यार, समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इस खलनायक के चक्कर में अब क्या करूँ यार, इसके चक्कर में मेरी नायिका छूट जाएगी। तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ। क्या क्या क्या, हाँ एक आइडिया आ गया। दोस्तों आप देख सकते हैं बाढ़ का कहर, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़। मैं इस वक्त टापू में फंसा हूँ। जी हाँ, पूरा शहर डूब गया है, ना इंसान दिख रहा है ना इंसान की जात। धरती से लेके आसमान तक पूरा नजारा पानी ही पानी, पानी पद बन चुका है। मुझे देखिए, इतनी जानलेवा न्यूज आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, अपने जान को जोखिम में डालकर। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, जान दे दूंगा, लेकिन ये सच्ची न्यूज आप तक पहुँचा के रहूंगा।
कैमरामैन फखरुद्दीन बेग के साथ मैं केशव प्रजापति रिप भोपाल। ये क्या कर रहा है घुंगरू, कैमरा डाउन मत कर। ए केशव मैं हूं ना। पक्का? हाँ पक्का, मैं संभाल लूंगा एडिटिंग। अच्छा? में हाँ पक्का। ऐसा नहीं होता है क्या? सर फेशियल तो हो गया, बाल भी कटिंग कर दूं? भाई बालों की कटिंग तो ऑलरेडी कुदरत ने कर रखी है, तुम्हारे पास बाल लाने का कोई तरीका है क्या? नाउ नॉट नाउ। वाओ क्या लग रहा है बे तू केशव, लुकिंग हैंडसम। टोपी पहन, टोपी पहन। हां हां यस। अच्छा चल इशारा करते हैं। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, हमें सताती है आपकी यादें। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, हमें सताती है आपकी यादें। तन्हाई में सनम रो लेते हैं हम, जब हमको आती है आपकी यादें। बन गया वीडियो? बन गया वीडियो यार। कैसा लगा? अरे एकदम सॉलिड, कमाल यार। दीपिका को पसंद तो आएगा ना? पसंद? फिदा हो जाएगी, फिदा। तेरा काम बन जाएगा केशव। यार तेरे मुंह में घी शक्कर यार। ये वीडियो तो कमाल बन गया है, मैं इसे YouTube पे अपलोड करता हूँ और फिर वायरल हो जाएगा। तू भांग चढ़ाया दारू, तोहरे पे तन मन मारू, हस्बैंड बन जा तू हमरा और हम तोहरे मेहरारू। तू भांग चढ़ाया दारू, तोहरे पे तन मन मारू, हस्बैंड बन जा तू हमरा और हम तोहरे मेहरारू। दोनों मिल के बसा साथियों कौन आया है? देखो 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 कौन आया है? केशव प्रजापति। मैं क्या देख रहा हूं दीपिका जी, आप शराब पीती है? हाँ तो तुम्हारे समाज में तो शराब सिर्फ मर्द ही पी सकते हैं। और शराब नहीं पी सकती? हाँ उनका मुकाबला नहीं कर सकती? मुकाबला कीजिए मगर बिगड़े हुए मर्दों का नहीं। देखो देखो इस गंजू को देखो, गंजू बाबा आए हैं। साथियों ये मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे साथ हनीमून मनाना चाहता है। पर ये तो हनी कहीं से नहीं लगता, मूर लगता है। सर अरे उठ देखे महाराज। ऐसा क्या? आप समझ में आ रहा ये मेरी बाता का जवाब क्यों नहीं देता था कि बाल बच्चे कैसे हैं? अरे इसके तो बाल ही नहीं बचे। उसमें रहे। देखो हमारी जैसी हीरोइन ना तुम जैसों से सिर्फ फिल्मों में शादी कर सकती है, हकीकत में नहीं। दीपु डार्लिंग। यस बेबी। तुम्हारे लिए कौन सा ड्रिंक लेकर आऊं मैं? टकला। टकला? व्हाट टकला? सॉरी बेबी, टकीला विद आइस, क्योंकि आइस से खोपड़ी ठंडी रहती है। ओके टकीला। ओले ओले कुछ हो गया। चुप, कोई मेरे कंजू बाबा को हंसाओ, कोश को चौक सुनाओ।
के बापू भी बोला कि बेटा तू बिलियंस में एक है। यह बात जब प्रेमिका से पूछ ली मैंने तो वो बोली कि टकलू तू तो एलियंस है। मर गए बाबा, कुछ नहीं हुआ। मजबूत इतना है हमारे गुरुजी का पंजा, एक पड़ा और हो गया गंजा। बारिश ना आने वाली है, चलो साथियों सब घर चलो, चलो सब घर चलो। हाँ बेबी, देख ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरी इसके साथ शादी होने वाली है। सुन कैप्टन, अब तेरी मर्जी, या तो तू घर जा या ये जो बारिश है ना इसके पानी में डूब के मर जा। गुनाह ही क्या था मेरा एक मोहब्बत के सिवा, पूछता हूँ मैं तुझे तू ही बता दे ए खुदा। इश्क तेरी ही इबादत है सुना, कर लिया मैंने हो गया हूँ फना। हर सुबह तुझसे दुआएं की थी बड़ी शिद्दत से, सदाएं दी थी जी न पाऊंगा दूर होके मैं, सदा 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 के लिए, सदा सदा के लिए। देखा था कभी खास रोशनी के लिए, भूल बैठा था जहां एक नाजनी के लिए। आज उसने ही मार दी ठोकर, निकला महफिल से तमाशा होकर। खो गए रास्ते यहां आके किसके कंधे पे, रखूं सर जाके जी न पाऊंगा दूर होके मैं, सदा 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 के लिए, सदा सदा के लिए। हाँ? आ गए लाडले, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। आप पहचानने की कोशिश मत करो, हम तो स्वयं भी स्वयं को नहीं पहचानते, पर तुम्हें पहचानते हैं और तुम्हारी सब समस्याएं भी जानते हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते। बताओ। क्या बताओ? समस्याएं? आधार कार्ड बताने को नहीं कहा है लाडले, बताओ समस्याएं बताओ। परेशान हो गया हूं। अच्छा, इस ऊपरी सुंदरता देखने वाले समाज से परेशान हो गया हूं, जहां का हर आदमी मुझे मिलता है तो मेरे हुलिये को देखकर मुझ पे हंसने के लिए या मुझे चिढ़ाने के लिए मिलता है।
कोई मुझे टकला कहता है, कोई गंजा कहता है, कोई गजनी कहता है, कोई शाकाल कहता है, कोई टोपी नैयर कहता है, कोई एयरपोर्ट कहता है, कोई उजड़े चमन कहता है, कोई वीराना कहता है, कोई खुला मैदान कहता है, कोई कोई तुम्हें गौनकेश भी कहता है। हाँ बाबा। आप भी हंस रहे बाबा? अरे तुम पर नहीं हंस रहा हूं रे लाडले, तुम पर हंसने वालों पर हंस रहा हूं। अरे हंसने वालों ने किसे छोड़ा है, किसे छोड़ा है? तुम पे क्या सब पर हंसते? वजन ज्यादा है तो मोटा कहा, कद छोटा है तो नाटा कहा, किसी को भेंगा कहा, किसी को ठेंगा कहा, किसी को कहा अगर रंग गहरा है तो कलवा जा रहा है, लड़की अच्छी है तो हलवा जा रहा है, खराब दिखने वाले को बवाल कह दिया, बुरा हाल कह दिया, अच्छा दिखने वाले को बूढ़े को मुरझाया फूल कहा, और कोई जमीन पे गिर गया तो उसे धूल का फूल कहा, हंसाने वाले को जोकर कहा, इस जमाने ने सबको सबके पीछे हाथ धोकर कहा। और जमाना, इस जमाने की परवाह करोगे तुम लाडले? अरे जमाना जिस पर हंसता है वही इतिहास रचता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अरे तुम्हारे तो बाल नहीं है इसलिए जमाना तुम पर हंसता है, जमाना तो उन पे भी हंसता है जिसने जमाने को बहुत कुछ दिया। एडिशन पर लोग हंसे, उसने जमाने को बिजली दे दी। आर्किमिडीज ने जब विज्ञान के नए सिद्धांत बताए तो लोगों ने पत्थर मारे, इस जमाने ने महान लोगों को हमेशा 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 विरोध ही दिया है, इस दुनिया ने सुकरात को जहर पिला दिया। एक सवाल और, अच्छा शायर बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, शायर का लिबास कैसा होना चाहिए? उसके लिए लिबास की जरूरत नहीं है, जरूरत है अल्फाज की ताकत की, जरूरत है रदीफ और काफिये की समझ की, आसपास जो चीज है उसे पढ़ो, लोगों को पढ़ो, लोगों के चेहरों को पढ़ो, लोगों के गमों को पढ़ो, लोगों की सच्चाई को पढ़ो, लोगों की अच्छाई को पढ़ो, लोगों के झूठ को पढ़ो, लोगों की मुश्किलों को पढ़ो, लोगों की परेशानियों को पढ़ो, इस दुनिया की हर मुश्किल को अगर पढ़ोगे ना तो भीतर जो तुम्हारे उबल रहा है, उमड़ रहा है, उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है, वो कलम के रास्ते आएगा कागज और बन जाएगा जिसे दुनिया पढ़ेगी। वो शायर उसे बाहर निकालो और कहो जमाने को कि मैं किसी से कमतर नहीं हूं, किसी से छोटा नहीं हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। इसका मतलब मैं उन तमाम लोगों से बेहतर हूं जो लोगों की हंसी उड़ाते, मैं उन तमाम लोगों से बेहतर हूं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। अरे केशव इन केश या बालों की वजह से नहीं है, केशव अपनी सकारात्मकता की वजह से। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम जिस दफ्तर में काम करते हो तुम्हारी बॉस तुम्हें क्या कह के बुलाती है? टकलू। और तुम्हारे दफ्तर के तमाम कर्मचारी तुम्हारी बॉस को क्या कह के बुलाते हैं? उनको ऑफिस में लोग कहते हैं सड़ू, खड़ूस, हिटलर, गब्बर, आई टैंट्रम गर्ल, ड्रामा क्वीन, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। उसके सामने कह पाते? नहीं नहीं ना। हाँ? तो सोचो जो तुम्हारी अधिकारी है, जो तुम्हारी बॉस है, उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी क्या क्या नहीं कहा, तो आशावादी बनो। आशावादी मतलब? मतलब जो जन्म से गंजा हो लेकिन उसकी जेब में कंघा हो, वो होता है आशावादी। वाह आचार्य जी, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? अरे भाई जो शब्द तुम्हारे पास है उन्हीं में करो। आपकी दुआ से मालिक करे आचार्य जी, आपकी दुआ से मालिक करे कि आपका ये शागिर्द सारी दुनिया में क्लिक करे। मालिक और क्लिक? अरे भाई यहाँ बैठ के काफिये मिला रहे हो केशव, यहाँ बैठ कर काफिये मत मिलाओ, तुम्हारे भीतर एक शायर है जमाने को ये एहसास दिला। एक बात हमेशा याद रखो, सम्मान मिले घमंड मत करो, अहंकार मत आने दो भीतर, दंभ मत करो, मान मिले मान हो तो निराश मत हो, और तुम्हारे भीतर की जो उलझन है ना, चाहे छोटी बड़ी किसी भी तरह की उलझन क्यों ना हो, उस उलझन को मिटाने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो कौन आचार्य जी? तुम केशव, तुम। और वो दिन आएगा जब लोग ये नहीं कहेंगे कि वो टकला जा रहा है, वो गंजा जा रहा है, वो मुगैम्बो जा रहा है, अशाकाल जा रहा है, उजड़ा चमन जा रहा है, लोग कहेंगे उनसे मिलो, वो जा रहे हैं सबसे बड़े शायर केशव प्रजापति। वाह आचार्य जी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। आचार्य जी आपने मेरी मेरी माँ की आवाज सुनी? तुम भी तो सुनो। माँ? वो देखो तुम्हारे सामने खड़ी है तुम्हारी माँ। माँ तुम कहाँ हो? माँ बेटा कहाँ हो? माँ मेरे बेटे को होश आ गया। माँ हाँ बेटा किशो, हाँ किशो तुझे होश आ गया बेटा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है।
डॉक्टर। कंग्रेचुलेशंस, तो आपको होश आ ही गया और इनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। बाय द वे, एक बात बताइए कि 10 दिन कोमा में रहने के बावजूद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कोमा? अरे घबराइए नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और हाँ, एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोबारा? अरे भाई, आप तो वायरल शायर बन चुके हैं। शायर तो मैं हूँ ही, अब मुझे वायरल भी हो गया। वो एबी ने तेरा शूट किया था ना वीडियो, सेलिब्रिटी बन चुके हो तुम। हाँ बेटा, तो स्टार हो गया सोशल मीडिया पे। माँ तेरा आशीर्वाद है डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया जो मेरे सर में इतनी कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद भी इलाज की। हाँ मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसका इलाज ना हो सके। 2-3 हल्की फुल्की एक्सरसाइज हैं, वो करो ठीक हो जाओगे, और उसके बाद तुम ऑपरेशन से अपने सर पर बाल भी लगवा सकते हो, बस वो मेडिकली प्रूफ होना चाहिए। टेक केयर। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, तुम विग क्यों नहीं पहन लेते तब तक? मेरे पास एक पुराना विग है, उसे पहनता हूँ। अरे भाई, पुराना पुराना सब खत्म, नई जिंदगी नई शुरुआत, सब कुछ नया, और उसके लिए तुम्हें विग भी नया बनवाना पड़ेगा, समझे? मेरे एक दोस्त है अनवर भाई, मैं तुम्हें उनका एड्रेस देता हूँ, वो विग बनाने में बहुत माहिर है, एक बार उनके पास चले जाओ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अरे बहुत से सेलिब्रिटीज ने उन्हीं के बनाए विग पहने हैं, पता तक नहीं चलता। अरे वाह, थैंक यू। ओके विग बॉस, नमस्ते। थैंक यू। तो मिस्टर केशव, अब आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, और इस जिंदगी को तुम्हें भरपूर तरीके से जीना है, समझे? किसी भी किस्म की मुश्किल आए निराश नहीं होना, ठीक है जी? और हाँ, अनवर से बात कर लिया मैंने, तुम जाकर के अपना विग बनवा लेना उसका। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। चलो मैं। नमस्कार। राखी का फोन आया था। खई के पान बनारस वाली ओ खई के पान बनारस वाली, खुली जाए बंद। याद किया? आदाब। अरे वाह 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 साईं, अरे वाह, अरे हाथ तो मिलाओ नहीं बड़ी। ओफो माय गॉड, मेरे ऑफिस में कौन आया है? ओ माय गॉड। अरे भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओ मेरे शहर आजम, क्या बात है, आपके आने से मेरे ऑफिस में 4 चांद लग गए। वाह 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 वाह। अरे आओ आओ, बैठो 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 बैठो। वाह 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 वाह। अरे देख क्या रहा है, कुछ ठंडा गर्म ले आ। ठंडा लाऊं या गरम? अरे तू ठंडा गरम छोड़, तू रम ले आ, रम रम जा। आप तो जानते कि मैं शराब नहीं पीता। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल गई। कोई नहीं, अरे ये शराब तो ये चैरिटी वालों को दे देंगे, वैसे भी इन्हें ये चैरिटी का बहुत शौक है। मैडम मैं क्या बोलता हूँ, अभी हमको उस विश्वास पे विश्वास ही नहीं रहा। मैं तो बोलता हूँ मैडम, अभी हमको इन पे विश्वास है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी चैरिटी। सुनो भाई, पहले चैरिटी मैं अपने आप से शुरू करूँ, पहले मेरे शो करेंगे 7 शो मेरे फ्रेंड। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, देखो तुम्हारे भरोसे पर मैंने अपनी जबान दी है। वर्ल्ड टूर के 7 शो को मैंने साइन करवाया है। देखो भाई, मैं जबान की बहुत पक्की हूँ, तुम्हें तो पता है कि मैं जबान की कितनी पक्की हूँ। बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ, हमारी मैडम अपनी जुबान की बहुत पक्की है, इतना पक्की है, बहुत पक्की। भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे तूने ये पहचाना कि नहीं सुपरस्टार को? अरे पहचाना ना। हाँ हाँ, इनको कौन नहीं पहचानता है, ये वही आदमी तो है इनका इस ऑफिस में बार बार घना घोर अपमान हुआ करता था। घोर अपमान के औलाद, ऐसे शुभ मौके पर ऐसा कोई बोलता है क्या? चुप। अरे हाँ ये तो पागल, हाँ, है पागल है पागल है, इसके आप बात कहाँ सुन रहे। आप साइन कीजिए, साइन कीजिए आप, अभी मैं आपके अकाउंट में अभी मनी ट्रांसफर करती हूं। जी ये देखो, वाव बस हो रहा है, बस हो ही रहा है, ट्रांसफर हो ही रहा है। वर्ल्ड टूर मुबारक हो।
मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो मेरा मुद में। ये देखो, ये देखो भाई, मनी ट्रांसफर हो गया भाई। हाँ भाई हाँ, हंगल साहब का बिग भी मैंने बनाया था। चिंता नहीं करो जी, बिल्कुल वैसा ही। ओहो, कमाल हो गया, यकीन नहीं हो रहा मुझे तो। मेरे बिग सेंटर में मशहूर शायर केशव प्रसाद, केशव प्रजापति, केशव प्रजापति जी आए हैं। ओहो, यकीन आप ही हैं। मैं जी अपने बिग सेंटर में आपका इस बगोल, क्या कहते हैं उसको, इस्तकबाल, इस्तकबाल करता हूँ। आपने जी मेरे बिग सेंटर में आके मेरा बिग सेंटर और बिग कर दिया। आओ आओ, वेलकम वेलकम। हाँ, क्या इस्तकबाल है, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, मैं क्या बताऊं जी आपको, आज मैंने अपना राशिफल पढ़ा था, उसमें लिखा था मेरे बिग सेंटर में बहुत बड़े शायर आएंगे, मुझे क्या पता वो आप होंगे। अनवर साहब, डॉक्टर साहब ने बताया था। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब का फोन आया था मेरे पास। हाँ हाँ, आपका बिग रेडी है, वो भी फ्रॉम लंदन, हॉलीवुड की है। हॉलीवुड की, आपके पास कैसे आई? कैसे आई? बताता हूँ, हमने वहाँ शूटिंग की थी, फिल्म थी पहचान, जैसे बैकअप हुआ मैंने वो बिग ढेर ली। आपको किसने देखा नहीं, बाल बाल बचा हूँ। अरे वाह, नेचुरल बाल है आपके, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। थैंक यू, सरप्राइज कर रहे हैं। अनवर भाई, मेरा विग कहाँ है? यही है। कहाँ है? यही है। कहाँ है? यही है। कहाँ है? Very handsome. बाल से बाल मिला हुआ। वाह, कितने अच्छे बाल आपने दिए। आज के जमाने में ऐसे बाल कौन किसको कब देते हैं? हम देते हैं जी। क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? सेवा? पेमेंट? अरे रे रे रे, कैसी बातें करते हैं, इतने बड़े शायर मेरी दुकान पे आए हैं, आप मुझे एम्बैरस कर रहे हैं। एक शेर आपका हो जाए, आप बोल देंगे सर चार चांद लग जाएंगे, देखो फिर यहाँ के लोग कैसे बिग बनवाएंगे। शुक्रिया, प्लीज। हाँ, अर्ज किया है। हुक्म करो। दुनिया में नहीं हो रहा है तेरे बालों का जिक्र, तुम मर जा अनवर, कोई फायदा नहीं तेरा जिक्र। ओहो, वाह वाह, कहां मर गए सारे, कोई वावा क्यों नहीं बोल रहा? वावा 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 वावा। अरे बच्चों, सलीम साहब का घर कौन सा है? वहां पानी पी लीजिए, जरा अपना मुंह खोलिए सलीम साहब, पीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए सलीम साहब। हाँ, मुंह खोलिए, ये लीजिए पानी पीजिए। आदाब। आदाब भाईजान जी। मैं केशव प्रजापति शायर हूँ, मैं इनका फैन हूँ। ये हालत कैसी हुई इनकी? ये फैन वैन सब ठीक है, ये हमें पता नहीं। ये देखिए क्या हालत हो गई इनकी शायरी के पीछे, पूरी जिंदगी शायरी 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 करते रहे, और जिनकी शान में इन्होंने कसीदे पढ़े थे उनमें से कोई भी एक आज उनके मर्सिये पढ़ने भी नहीं आता। हमारी तकदीर कितनी काम कर रही है देखना है आपको। ये देखिए, ये फोन है ना, ये भी काम नहीं करता, जिसको भी फोन करती हूँ हेलो हेलो करती हूँ, कोई जवाब ही नहीं देता, पता नहीं इस फोन को भी क्या हो गया। चाची, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप खामोखा सलीम साहब को कोस रहे हैं। हम तो आपको गुड न्यूज देने आए थे, खुशखबरी। खुशखबरी? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना आप? ये जो खुशखबरी लव से ना, सुनने को कान तरस गए हमारे। नहीं चाची, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, ये बात सच है। दरअसल हमारी कंपनी सलीम साहब की शायरी का दीवान छापना चाहती है, जिसके लिए मैं एडवांस के 5 लाख रुपए भी लाया हूं। लीजिए, ये सलीम साहब की शायरी की कमाई है।
केशव, 5 लाख का चेक? जी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सलीम साहब, आपकी शायरी का दीवान छपने वाला है, बता रहे हैं? ये आपके लिए 5 लाख का चेक लेके आए। मुबारक हो सलीम साहब, मुबारक हो। अब आपका दीवान छपके आएगा। जिस दिन सलीम साहब की शायरी का दीवान छपके आ जाएगा ना, पूरा जमाना इनके दीवान का दीवाना हो जाएगा। अच्छा चाची, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। जी और शुक्रिया। अब इस फोन से जब आप मुझे कॉल करेंगी तो नंबर लग भी जाएगा और आवाज भी आएगी, ठीक है? जी, अपने आप को कभी अकेला महसूस मत कीजिए, अपना बच्चा समझ के कभी भी मुझे फोन कीजिए। जी जरूर, शुक्रिया। सलीम साहब, आदाब हुजूर। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, आदाब। आदाब जी। जी चल भाई। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सुन, अब कहाँ जाएंगे? अंधेरी। हाँ, अब तो अंधेरी जाएगा ना। क्यों? चले तो तूने सारे यहाँ बांट दिए, अब क्या नील पट्टे सन्नाटा। गुरु, इन पैसों पे उन्हीं का हक है। देखो दीपू, तुम गा तो बहुत अच्छा रही हो, पर थोड़ा डिक्शन पे ध्यान दो। ये गजल है। मैं कोशिश करती हूँ। गुड। अरे केशव जी, हाँ जी, आपका फोन आ रहा है। एक मिनट, आपका कोई जरूरी। थैंक यू, बॉसी का फोन है। हाँ जी बॉसी। और तुम बताओ हैंडसम कैसे हो? चल रहा है बॉसी। हाँ, बहुत काम चल रहा है आपकी दुआ से। कहीं गजल लिख रहा हूँ, कहीं इवेंट्स मुशायरे वाले। सुरेंद्र पाजी की फिल्म के लिए तो सारी गजलें मैं ही लिख रहा हूँ। बड़े आदमी हो गए, तभी तो भूल गए। कितने दिन हो गए तुमसे मिले, कितना मिस कर गए हम सब। रियली? देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगी। हाँ, पिज्जा कैंसिल। ऑफिस साफ चपाती तेरी ब्रांच बुलाए रे। प्लीज 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 आना मेरे बाप। जी बॉस, थैंक यू बॉस। अरे इस बात को छोड़ो, मेरी ताजी इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ। अब कोई फोन आया तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा फोन ऑफ है, मत करो। काम पे ध्यान दो, मेरे स्टूडियो का भाड़ा बढ़ रहा है। बाप, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ना कोई लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, ना ही कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई, और ये टकला इडियट इतना बड़ा आदमी पता नहीं कैसे बन गया। लगता है सोशल मीडिया देखने वालों का टेस्ट ही खराब हो गया है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। केशव प्रजापति जी है? हाँ है, आप कौन? हाँ, मैं अनरवी के यहाँ से आया हूँ। ओ अच्छा अच्छा, ठहरो मैं बुलाती हूँ। केशव। हाँ माँ। बेटा, अनवर विक से कोई तुमसे मिलने आए हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मैं हूँ सरवर विक, अनवर विक का छोटा भाई। ओ, कैसे हैं भाईजान? बढ़िया है सर। सर, आप उस दिन हमारे शॉप पर आए थे सर। हाँ। तो भाईजान ने आपको एक विक दिया था, इस बात का बहुत दुख हुआ सर। क्यों सर? आप जैसा स्टार एक विक पहने अच्छा अच्छा नहीं लगता सर, इसलिए उन्होंने ढेर सारी विक दिए ताकि आप हर विक एक नई विक पहने। थैंक यू सर। हमारे भैराम पाड़े में एक मुशायरा सर, और मैंने सबको कह दिया सर आप आ रहे हो। सर आप आओगे ना? नहीं आए तो पूरे मोहल्ले के सामने मैं डाउन हो जाऊंगा सर। सुनो जी, आऊंगा। थैंक यू सर। क्यों आऊंगा पता है? क्योंकि तुम्हारा नाम सर्वर है जी, और मैं नहीं चाहता कि हमारा सर्वर कहीं भी डाउन हो। थैंक यू सर।
यार उसने नंबर दिया तो था। ओ जेडी। हाँ जी। ओ भाई वो शायर केशव प्रजापति का नंबर है कहाँ? अरे डायरी में लिया था उस दिन। अरे आप ही ने तो फाड़ के डस्टबिन में फेंका था। ओ हाँ यार, हाँ ये ओ तेरी यार। ओ उठा लो। ओ मैंने कहा जी आदाबर जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जी। कौन बोल रहे? अजी मैं ओवेस भारती चंडीगढ़िया फ्रॉम सुपर हिट प्रोडक्शन। भारती जी बोलिए। अरे बोलना क्या जी, हम तो अर्जी कर सकते हैं जी। अच्छा, आप हमारी फिल्म के सारे गाने लिख दो जी। कहानी क्या है? वो स्टोरी को मारो गोली जी, आप तो गाने लिख दो, गानों के हिसाब से सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन के हिसाब से स्टोरी भी बन जाएगी। टाइटल? टाइटल जी क्राइम पेट्रोल। वो सीरियल? हाँ ना, सीरियल नहीं पिक्चर है जी। एक पेट्रोल चोर की कहानी है जी। पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं तो जी उसकी वजह से जो अपराध हो रहा है वही अपना क्राइम पेट्रोल। नजराना तो जी जो आप कहोगे वो तो नहीं दे पाएंगे जी हम, लेकिन आप कुछ काम करने वाले लोगों से, काम मांगने वाले लोगों से थोड़ा मुस्कुरा के हंस के बात कर, तभी भविष्य है। हाँ जी बेड़ा करूंगा जी। चलिए मिलते। हाँ जी। कहिए। हाय दीपिका। हाय। मैं साक्षी। आई नो कि तुम मुझे नहीं जानती, पर क्या मैं 2 मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ? आइए बैठिए। थैंक यू। कहो क्या कहना चाहती हो? यू नो हिम? अरे हाँ, ये तो पैडी है, मेरा बॉयफ्रेंड, और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। तो अब तक की क्यों नहीं? तुम हो कौन? मैं वही हूँ जिससे वो शादी करने वाला था। क्या? एक बात जान लीजिए कि उसकी वाइफ ने उसे ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर दिया है। उसका कोई वजूद नहीं है। उसकी हालत तो धोबी के कुत्ते के जैसी हो गई है। हो गया तुम्हारा? आई नो, तुम्हारे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारी तरह ही उसने बहुत सी लड़कियों से शादी के वादे किए हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में एक प्लान है। तुम पैडी को कॉल करो, मैं उन गर्ल्स को कॉल करती हूँ जिसके साथ उसने शादी के वादे किए, ठीक है? अंकल जी। कुछ पैसे मिल जाते तो। पैसे? हाँ। देख बेटा, तेरे हालात और मेरे हालात एक जैसे हैं। हाँ, मैं इलेक्शन में हारा हूँ और तू सिलेक्शन में हारो है। मोए जनता ने लात मारी है तो तेरी बीवी ने लात मारी है। और रिजल्ट तेरे सामने तो है। अंकल जी अगर 5,000 मिल जाते तो। 5,000? और मोते मांग रहे हो? लेकिन तुम वो एक बात बता दे, गारंटी का है कि तू 5,000 रुपया लौटा देगा? मैं हाथ जोड़ के वादा करता हूँ पैसे दे दूँगा। अरे वादा? अरे भैया हमने तेरे को काम है वादा करवो, हाथ जोड़ वो। हम वादा वादा कछुना निभाए, हम नेता है ना। एक मिनट फोन आएगो। हेलो दीप डार्लिंग। हाय जॉन, कहाँ पर हो? अब मैं बहुत बड़े फाइनेंसर के पास हूँ अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए। सर जी आप मेरी नेक्स्ट फिल्म फाइनेंस करेंगे ना? ये अपनी दीपू डार्लिंग है ना। अरे हम फाइनेंस कर रहे हैं। हाँ, बहुत पैसा है। हाँ, करेंगे हम फाइनेंस करेंगे। हाँ, 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 सुन लिया तुमने? तुम अभी घर आ सकते हो? हाँ मैं बस पैसे लेके आ ही रहा हूँ। ओके बाय। पैडी अभी आ रहा है। दीपू डार्लिंग।
अंकल 5,000 अगर मिल जाते तो 5,000 देखो भाई 5,000 तो ना है पर हाँ 2,000 भी चलेगा। अरे यार 2,000 नहीं 200 रुपया। और बेटा सुन ले, जी 200 रुपया ना है 2 करोड़ रुपया के बराबर है जी, समझ ले। हाँ तो ठीक है, तो आप मुझे 2 करोड़ दे दीजिए, 200 समझ के लाइए। अरे यार तू यार कैसा आदमी है, ये जुमला है, ये नेतन का जुमला हो तो है, जो कहते हैं वो करते थोड़ी है। 200 रुपया मिलेंगे, तेरी इच्छा है तो ले भैया, नहीं मत ले। है इच्छा है दो। हाँ दो। चल ठीक है भैया, 500 रुपया रख ले। अरे जिन्हें मत देखे, जी मेरे पर्सनल खर्चा को है ये, 50, 100, 200 ये 200 रुपया रख ले। और मैं तेरी इज्जत करता हूँ, आई लव यू, और गेट आउट बेटा। गेट आउट भी? हाँ गेट आउट। आम आदमी समझ कर रखा स्टार को। हाँ मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, मुझसे ही प्यार करते हो ना? ऑफ कोर्स दीपू डार्लिंग। फिर ठीक है, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? यस दीपू डार्लिंग। सिर्फ मुझसे ही शादी करोगे? यस दीपू डार्लिंग। साक्षी से नहीं? साक्षी? अरे बाप रे। प्रिया से? प्रिया? शायद पूजा से? पूजा? या फिर नेहा से? नेहा? हाँ तो मेरी जान तुम ही बताओ कि हम पांचों में से तुम शादी किससे करना चाहोगे? डार्लिंग्स, मेरा मतलब डार्लिंग जानू धोखे पास। हम सबके साथ धोखा किया, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। देख देख अब तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करते हैं। ले, अरे ले, सुनो तो, अरे मेरी बात, अरे रुक रुक, भागो, भाई, रुक रुक, सिट, भाग गया, और कमबख्त ये जैकेट भी छोड़ गया। कमीना कहीं का। सच्ची कहा है किसी ने, इन मर्दों को नारी भक्षक बनाने में हम नारियों का ही सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल सही कह रही हो, एक औरत ही दूसरे औरत का घर बर्बाद करती है। ठीक कहा, पर थैंक्स साक्षी, तूने हम सबको बचा लिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। इसी बात पे एक शेर सुनाती हूँ। इरशाद इरशाद। तू दूर होकर भी करीब लगती है। वाह 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 वाह, ये बात मुझको बेहद अजीब लगती वा, है। वाह, हाथों की लकीरों में तेरा नाम नहीं, फिर क्यों तू मुझे मेरा नसीब लगती है? वाह वाह क्या बात है। बहुत अच्छा है शेर। ये मिस्टर केशव प्रजापति का शेर है। केशव प्रजापति? ये लीजिए, सलीम साहब का दीवान, दीवाने आरजू, शायर सलीम जख्मी। उस्ताद मुबारक हो। सलीम साहब देखिए आपकी शायरी की किताब, आपकी शायरी का दीवान छप गया आज। आपकी बरसों की तमन्ना पूरी हुई है आज, एक बार आंखें खोल के देख लीजिए सलीम साहब, देखिए तो सही एक बार। इनकी हालत देखकर लगता नहीं ये कभी बोल पाएंगे। चाची दुआ में बड़ा असर होता है, मैं कोशिश करूंगी। अल्लाह आपकी बात सुन ले। जी चाची इधर लाइए। सलीम साहब, उस्ताद, आज तक बहुत दिलों को लूटा है, बहुत मुशायरे लूटे हैं आपने, तो इस शागिर्द के साथ हो जाए एक मुशायरा? तो अर्ज है, पीता मैं नहीं पीता है मेरा गम, पीता मैं नहीं पीता है मेरा गम, हर पल खुशी के लिए रोता है मेरा गम। थैंक यू, शुक्रिया।
पीता मैं नहीं, पीता है मेरा गम, हर पल खुशी के लिए रोता है मेरा गम, कैसे खुद को तन्हा महसूस करूं मैं, साथ मैं खाने में यार होता है मेरा गम। ये उन्हें नजरअंदाज न कर जो तेरे हम नवा है, उन्हें नजरअंदाज न कर जो तेरे हम नवा है। अगली लाइन क्या है? ऐसा न हो कि तू सितारे गिनता रहे, चांद खो जाए। एक और शेर। सलीम साहब क्या बात है, मुशायरा अब रंग लाएगा। हर शख्स अपने गम में खोया है, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है। सलीम साहब ये लीजिए, दीवाने आरज़ू को गले लगाइए, अब तो आंखें खोलिए, ये रहा आपका दीवान, गले लगाइए, मुबारक हो। देखिए चाची जान, सलीम साहब होश में आ गए। उस्ताद मैंने कहा था ना, जब आपका दीवान छपेगा तो सारी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। लीजिए आपकी अमल। चाची जान आइए, अब आपकी सारी शिकायतें दूर हुई ना। शुक्रिया। ये क्या करी चाची जान, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए, आप ही हैं हमारे शिक्षक, परीक्षक, प्रशिक्षक और निरीक्षक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए। अच्छा चलता हूँ उस्ताद। ये तो पैडी है, मेरा बॉयफ्रेंड, और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। तो अब तक की क्यों नहीं? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। केशव जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है। कहाँ मिलेंगे? समंदर किनारे। आदाब अर्ज़ें। आदाब। बोलो केशव, कैसे हो? हमारी सेल्फी देखता था, बहुत खूबसूरत सेल्फी है, और सेल्फी देखते देखते अचानक दिल गाने लगता था। जरा सेल्फी से तू निकल के फ्रंट में आ, डियर दीपिका। पक्के शायर हो। बाय द वे, इस नए लुक में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा लग रहा हूँ ना? बहुत। थैंक गॉड, आपको हमें कुछ तो पसंद आया, भले नकली ही सही। दरअसल केशव, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तुमसे माफी मांगना चाहती थी, क्योंकि गुरूर में कहो या नादानी में, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। सब लोगों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ ही नहीं पाई। शायद इसी बात की सजा भगवान मुझे दे रहा है। केशव, मैं ये बात भूल गई थी कि हम किसी को भी दुख देते हैं तो उससे हमें खुशी हासिल नहीं होती, दुख ही मिलता है। खैर, आज मौका भी है और दस्तूर भी,
ये कनीज आपके सामने हाजिर है, अपने सभी बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगती है। तुम जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है केशव। सजा? आज तक जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। माना कि तुमने बुरा बर्ताव किया जो कुछ भी, लेकिन मैं आज हूं तुम्हारे उसी बुरे बर्ताव की वजह से। लेकिन मैंने अब ठान लिया, अब ना तुम्हें छोड़ के जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। छोड़ो गिले और शिकवों को, अपने ही रूठा करते हैं। लाख भले ही झगड़े हो रिश्ते न टूटा करते हैं। तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तू जो कहे दिल में दे दूं, तू जो कहे जान में दे दूं, तू जो कहे दिल में दे दूं, जो कहे जाऊं मैं दे दूं। तू ही नज़्म है नगमा तू, शायरी तू महफिल है गजलों की, तू गीतों की डायरी। तू मुझे इजाजत दे, कर मुझे इजाजत दे, दीवान तुझको कह दूं। तू जो कहे दिल में दे दूं, तू जो कहे जान में दे दूं, जो कहे दिल में दे दूं, तू जो कहे जाऊं मैं दे दूं। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है, ऐलान खुल के कर दूं। तू जो कहे दिल में दे दूं, तू जो कहे जाऊं मैं दे दूं, वो तू जो कहे दिल में दे दूं, तू जो कहे जान में दे दूं। एक शेर अर्ज़ है। इरशाद, तुम्हारी खूबसूरती पर कम बकर ना, तुम्हारा ये फोन हमेशा गलत टाइम पर आता है। आरजी का फोन। आरजी का प्लीज आप स्पीकर पे रखना, मुझे सुनना है। स्पीकर पे। हाय आरजी, हाउ आर यू? हाय मेरे शायरे आजम, हमारे वर्ल्ड टूर के मुशायरे की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पोस्टर भी बनने चले गए हैं। अच्छा ये बताओ कि आपका नाम क्या डालूं? केशव पागल, केशव जख्मी, केशव दीवाना, केशव टकला। सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है कि नहीं, नहीं, नहीं। क्या नया नाम रखे बॉस? बॉस बॉस बॉस, हाँ केपी बिग बॉस। सुना बिग बॉस, आज से मेरा नया नाम केपी बिग बॉस। बाय, वेरी गुड नेम। सर आज आपकी फिल्म रिलीज हुई है, आप कैसा फील कर रहे हैं? देखो हिट सुपर हिट फिल्म ला रहा हूं मैं ये सोसाइटी के लिए। ये मूवी में बहुत ही अच्छा मैसेज भी है। अरे मसाज भी है। सर प्रजापति, सर 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 एक मिनट सर, प्लीज प्लीज सर, सर एक मिनट, सर एक मिनट सर, सर सर जो आपको ये शहंशाह शायरी का खिताब मिला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बस इस पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। हाँ, कि बड़ी खुशी का मौका मेरी जिंदगी में इस बरस आया, बड़ी खुशी का मौका मेरी जिंदगी में इस बरस आया, उसको मेरी कोई अदा भाई या उसको मुझ पे तरस आया।
आज का जो बाजार में शायरो शायरी है उसके बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? मैं सलीम साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, जिनकी शायरी की वजह से मुझे एक नया मुकाम मिला, उसी मुकाम ने मुझे मेरे प्यार से मिलाया। अब मैं चलता हूँ, आप सबकी दुआएं मेरे साथ रहें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कमाल की लाइन सुनाई भाई। केशव जी, रोमांटिक शायर। आदाब अर्ज़े। अरे तो सर के फैन है सर, इट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। मेडिकल फंड को मैंने आप ही सिर सुना के पटाया था। सुना आपने इसने क्या केस किया? उस शेरनी को तुमने मेरे शेर सुना के इंप्रेस किया? वाह 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 वाह, सेल्फी किया। वाह वाह वाह। It's a comedy king, Sunil Pal, fate rap king, Raju Bali. Come on, come on, have a fun, it's Bali. घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच। घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच। खुद देखे, खुद देखे, पेंटिंग न्यूड न्यूड पेंटर को देता दोष। घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच। राजू बाले, I'm राजू बाले, I'm not a khale, I'm very busy. Soch, soch, teri dirty soch, teri dirty, dirty soch, soch. Khud dekhe tu picture new, kyun deta tu painter ko dosh? Faltu hai teri soch, soch, Sunil Pal ko deta dosh. Samaj ko dikhata hai picture, tehjeebon ka banta hai teacher. समाज को दिखाता है पिक्चर, तहजीबों का बनता है टीचर, खुद का कभी तू देख वीडियो होगा बहुत अफसोस। घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच। समाज को तू राह दिखाता, नेता बन के सबको डराता, एवरीथिंग इज ऑल राइट, और कहता सबको हो जा साइड। कॉमेडी किंग सुनील पाल, पाल पाल सुनील पाल, सबको देता हंसी का ज्ञान, सावधान इंडिया सावधान। लोगों ने देखी तेरी शराफत, कितने खुदा की करता इबादत। लोगों ने देखी तेरी शराफत, कितने खुदा की करता इबादत, काला काला गॉगल पहन के हुस्न में मदहोश। घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच। काला काला गॉगल पहन के, काला काला गॉगल पहन के, गॉगल पहन के तेरी नजरे आवारा है, तुझमें अवगुण सारा भरा है। तेरी नजरे आवारा है, तुझमें अवगुण सारा भरा है, देविल की बातों में आके गवा दिया है होश। घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच। अरे खुद देखे, खुद देखे, पेंटिंग न्यूड न्यूड पेंटर को देता दोष। घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच। अरे घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, हाय घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, हाय हाय घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की घटिया। देख कितनी घटिया है तेरी सोच, हाय हाय बाय बाय।